नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। वक्त हो चला है 4 बजे का। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। तो यूपी में लंबे समय से मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब 9 या 10 नवंबर तक योगी के नए मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसको लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात भी कर ली है। योगी के नए मंत्रिमंडल में दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर समेत एक एमएलसी को भी जगह मिल सकती है। तो देखिए, यूपी के मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, यानी कि योगी आदित्यनाथ के सरकार के मंत्रिमंडल में एक बार फिर से विस्तार होगा। और लोकसभा चुनाव से पहले यह विस्तार काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि सियासी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इस मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, जिसमें ओम प्रकाश राजभर के साथ ही दारा सिंह चौहान को भी इस मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और कहा जा रहा है कि यह मंत्रिमंडल जब विस्तार किया जाएगा, जब उसमें नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी, नए चेहरों को तवज्जो दी जाएगी, तो इसके साथ ही कई ऐसे समीकरण है जिसको साधते हुए भी बीजेपी जनता को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेगी। गौरव, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए गौरव, योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में विस्तार किए जाने की जो खबर है वो लगातार तूत पकड़ रही है, क्योंकि 9 और 10 की वो तारीख होगी जब अटकलें हैं कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, जिसमें नए चेहरों को खासी तरजीह दी जाएगी। लेकिन कई ऐसे मंत्री होंगे जिनके विभागों में बड़ा हेरफेर किया जाएगा। किन किन के नाम बताए जा रहे हैं गौरव? नमस्कार, यहाँ पर फेयरदल चुनावी भी है और फेयरदल यहाँ पर आगामी व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बात केवल 24 की नहीं है, बल्कि यहाँ बात पत्रकार की बात करें तो 2027 की पत्रकार यहाँ पर तैयार हो रही है। यहाँ सभी वर्गों को यहाँ पर प्रदेश देने की बात कर ली, और हम मुख्यता माने की मंत्रिमंडल विस्तार में किसको जगह मिल सकती है, तो यहाँ पर बात ओम प्रकाश राजभर की दारा सिंह चौहान को भी यहाँ पर बड़ा पद मिल सकता है। हालांकि दारा सिंह चौहान के नाम पर तमाम लोगों की असहमति रही है, जो तैयार नहीं थे, पर चूंकि यहाँ पर जरूरी है और वहां पर चौहान बरादरी को अपने पक्षपाली में करने के लिए, पूर्वांचल में चौहान बरादरी को अपने साथ लाने के लिए राजेंद्र चौहान को भी यहाँ पर अहम पद नियुक्त किया जा सकता है। उसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो अभी हाल में एमएलसी बने हैं उनको भी कोई अहम पद यहाँ पर दे सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पर सभी साध रहे हैं और कहा जा रहा है दलित वोट वर्ग को बेहतर करने के लिए पीजीए की बात जो अखिलेश यादव कर रहा है उनको यहाँ पर एक जवाब देने के लिए दलित वर्ग के भी किसी नेता को यहाँ पर आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन देखिए गौरव, यहाँ पर एक चीज और अहम बताई जा रही है, क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है, जो सूत्रों के हवालों से खबर लगातार सामने आई है वो ये है कि कई विधायकों को भी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा। ऐसे में अगर मंत्रिमंडल के कई नेताओं को चुनाव लड़वाए जाने की बात सामने आती है, तो ऐसे में क्या मंत्रिमंडल में उन नेताओं को इस बार शामिल किया जाएगा क्या? बिल्कुल मुस्कान, एमपी की तर्ज पर ये यहाँ पर समीकरण भी लगा सकते हैं। जिस तरह हमने देखा है एमपी में तमाम विधायक है, तमाम मंत्री हैं, उनको अहम पद देते हुए उनको विधानसभा चुनाव में लड़ाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी वही जो फॉर्मूला है वो आजमा सकते हैं। अगर हम बात करें तो तमाम नामों की अगर चर्चा करें तो 80 वरुण जो कि अभी विधायक है, उनको कहा जा रहा है कि उनको इटावा से लोकसभा चुनाव लड़ा सकता है। इसके अलावा जो केंद्रीय अभी जो लोक निर्माण मंत्री है उत्तर प्रदेश के जितिन प्रसाद, कहा जा रहा है कि शायद उनको पीलीभीत से लोकसभा के टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह है, कहा जा रहा है कि हो सकता है उनको मथुरा से टिकट दिया जा सकता है। तो तमाम नाम यहाँ पर ऐसे हैं कि जो एमपी के फॉर्मूले पर जिनको लोकसभा में जिम्मेदारी दे सकती है, और अगर उन नामों को लोकसभा में जिम्मेदारी मिलती है तो कहीं ना कहीं उनके विभाग भी यहाँ पर समायोजित किए जाएंगे। हो सकता है आने वाले समय में तमाम पर और भी बढ़ाए जाएं। अभी जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है वो आगामी व्यवस्थाओं को देखते हो रहा है, पर यहाँ पर हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के पास आते आते और भी यहाँ पर होता है, तो बड़े गुपचुप तरीके से उसकी तैयारी की जाती है, बड़े गुपचुप तरीके से उसकी प्लानिंग की जाती है। लेकिन जिस तरीके से दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर अमूमन मुखर होकर ये कहते हुए नजर आते हैं कि मंत्रिमंडल में उन्हें खासी तरजीह दी जाएगी। देखिए दारा सिंह चौहान पर जब बीजेपी ने हाल ही में घोसी उपचुनाव में दाव लगाया तो दारा सिंह चौहान को एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसे में अंदर खाने से ये भी आवाज उठ रही थी कि दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में जगह ना दी जाए या उनको इस मंत्रिमंडल में शामिल ना किया जाए। ऐसे में ठोस वजह क्या है जो दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? देखिए मैं आपको बताया, जमुनिया बिरादरी और चौहान बिरादरी पूर्वांचल में खासी है, उसको देखते ही यहाँ पर दारा सिंह चौहान को जगह मिल सकती है। हालांकि बात मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर जो उनके नाम पर सहमति नहीं हो पा रही थी, तमाम लोग हैं वो नहीं चाह रहे थे कि जो अभी यहाँ बीजेपी में थे सपा में चले गए फिर बीजेपी में आए, इनको यहाँ पर मंत्रालय मिले, उनको मंत्री पद मिले, तो तमाम तरह की सहमति वहाँ पर नहीं थी। पर जहाँ पर क्योंकि सहमति नहीं देखनी है
हमको आगामी चुनाव भी देखना है, 24 चुनाव को देखते हैं। बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए यहाँ पर जमुनिया और चौहान बिरादरी जो पूर्वांचल में खासी संख्या में है, तो उसको यहाँ पर अपने पाले में करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए दारा सिंह चौहान को अहम पद दे सकती है। और साथ साथ यहाँ उपेंद्र राजभर की अगर बात करें, देखिए राजभर को लेकर राजभर और दारा सिंह चौहान, ये दोनों ही दलबदलू नेताओं की लिस्ट में अब शुमार हो चुके हैं इनका नाम, क्योंकि लगातार ये कभी बीजेपी में रहते हैं, कभी सपा में रहते हैं, कभी तमाम अन्य पार्टियों का दामन थामते हैं। ऐसे में अगर इन दोनों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, जिसकी 90% चांसेस है कि शामिल होंगे, अगर विद्रोह के सुर उठते हैं तो उसके लिए बीजेपी कितनी तैयार है? क्या सबको मना लिया गया है इस चीज के लिए कि ये दोनों नेता मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? देखिए मुस्कान, यहाँ पर बीजेपी सारी व्यवस्थाओं को साथ लेकर चलती है, और बीजेपी की शुरू से एक नीति रही है, जब भी बीजेपी कोई विस्तार करती है या कोई नया निर्णय लेती है, तो उससे पहले अपने लोगों को मनाने का पूरा प्रयास करती है। हालांकि ये मनाना हिमाचल चुनाव में नहीं हो पाया था, और हिमाचल चुनाव में भी अंदरूनी कलह के चलते बीजेपी ने वहाँ पर सत्ता गंवा दी थी। कांग्रेस वहाँ पर इसी कारण आई है कि बीजेपी के अंदरूनी कलह के चलते वहाँ पर लोगों ने विरोध किया था, और बागी स्वर्ग होने के कारण वहाँ पर बीजेपी हार गई थी। तो यहाँ पर बीजेपी उस चुनाव से, उस सत्ता की हार से यहाँ सबक ले चुकी है, और बीजेपी यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ऐसे कदम नहीं उठाएगी जिससे कि जो अंतर्कलह हो और यहाँ पर बागी होने के चलते बीजेपी को नुकसान हो। तो बीजेपी पहले बना चुकी है, और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, योगी की टीम में बड़ा फेरबदल होगा, और अटकलें हैं कि नाम लगभग तय हो चुके हैं, क्योंकि अगर हम बीते 2-3 दिनों पर गौर करें तो सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दरबार पहुंचे थे, जहां गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एक बड़ी बैठक हुई, और उम्मीद थी कि उस बैठक में नाम तय हो जाएंगे। और अब ये तारीख भी आ चुकी है जब 9 और 10 का वो दिन होगा जब मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाएगा, क्योंकि अब हर एक नेता को फोन भी जाना शुरू हो चुका है कि जो भी नेता है वो इस वक्त लखनऊ ना छोड़े। दिल्ली एनसीआर में बीते हफ्ते से लगातार प्रदूषण गंभीर होता जा रहा है। केजरीवाल सरकार ने गंभीरता को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप का 4th चरण लागू कर दिया है। वहीं अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून ने भी खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। एनजीटी ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बढ़ते AQI पर चिंता जाहिर की है, और बढ़ते AQI पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन पांचों ही राज्यों से रिपोर्ट तलब की गई है कि प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए क्या प्लान है, किस एक्शन प्लान के तहत ये 5 राज्य काम कर रहे हैं ताकि प्रदूषण के लेवल को कंट्रोल किया जा सके। तो देखिए, अब दम घोटू सांस में लोग जीने को मजबूर हैं। अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं गाजियाबाद, दिल्ली का हाल सबसे ज्यादा बेहाल है, क्योंकि यहां पर अभी भी धुंध की चादर सी देखने को मिलती है। गाजियाबाद से प्रवीण इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए प्रवीण, दिल्ली से सटा है गाजियाबाद, और जब दिल्ली का AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा है, तो ऐसे में गाजियाबाद की कैसी तस्वीरें हैं? इस वक्त गाजियाबाद का AQI क्या दर्ज किया गया है प्रवीण? देखिए मुस्कान, आपको बता दूं, लगातार जिस तरह से पोल्यूशन का स्तर सामने देखने को मिला है, लोग खासा परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे खासतौर पर जो स्कूल जाया करते थे उनका स्कूल बंद हो गया है, ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दिए, छुट्टियां घोषित कर दी गई हर जिले में। जो नजदीक के जिले हैं, खासतौर पर दिल्ली, गाजियाबाद, बात करें हरियाणा की, या बात करें जो नजदीक के जो सटे हुए क्षेत्र हैं, उसमें छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। अगर बात की जाए एक्विलेबल की, तो लगभग यहाँ पर जो है, जो क्योंकि बॉर्डर से सटा हुआ है, आनंद विहार है, जो रेलवे स्टेशन बस स्टॉप है, वहां पर सभी तरह की गाड़ियां, कॉमर्शियल गाड़ियां आती है, बसें खासतौर पर आती हैं, और जो इंडस्ट्रियल एरिया है उससे भी खासा परेशानी हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी को चीजों को देखते हुए एनजीटी काफी सख्त नजर आ रहा है। एनजीटी ने साफ तौर पर बताया है, जो कंस्ट्रक्शन जैसे खासतौर पर हो रहा है, जो बिल्डिंगें जो बन रही है, वहां पर धुंध देखने को मिल रही है, तो लोग काफी परेशान है। लगभग 400 से ऊपर यहाँ AQI नापा गया है फिलहाल के लिए, लेकिन जो विजिबिलिटी है वो सुबह और शाम के समय में कम देखने को मिलती है, सूर्य जो है वो कम नजर आ रहे हैं लोगों को, खासतौर पर लोग जो है अस्पताल में भर्ती हैं उनके लिए खासा ध्यान दिया जा रहा है, खासतौर पर प्रशासन की तरफ से भी, और जो जिला प्रशासन के जो डॉक्टर्स हैं वो भी खासतौर पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मरीज जो सांस से संबंधित मरीज है उनका खासा ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि जो लोग पार्क में जाया करते थे उन लोगों के लिए भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह जो टहलने जाया करते स्वास्थ्य के संबंधित जो लोग हैं, अब उन्होंने घर घर में ही अपनी जगह बना ली है, घर में ही योगा कर रहे हैं, घर में ही अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बाहर निकलने पर जो जहरीली हवा उनको
सांस लेने में मिल रही है वो कहीं ना कहीं खतरनाक देखने को मिल रही है। जी देखिए प्रवीण, एनजीटी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मसले पर 4 से 5 राज्यों पर रिपोर्ट मांगी है और साथ ही कहा गया है कि आखिर प्रदूषण रोकने के लिए, प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कर रही है, क्या कुछ कदम गाजियाबाद में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए उठाए जा रहे हैं प्रवीण? देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही लगभग मेयर, जो दिल्ली के मेयर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खास तौर पे उन्होंने जो चीजें बताई, जो कारण बताए हैं, जो प्रदूषण के खास तौर पे कारण है वो पराली है, उसके बाद जो जो कचरा होता है, वेस्टेज कचरा होता है, लोग जलाते हैं, वो कारण बताया जा रहा है। उसके अलावा भी जो कंस्ट्रक्शन से लेकर संबंधित चीजें हैं उसके लिए भी कारण बताया जा रहा है। अगर बात करी जाए गाजियाबाद की, कोई दिल्ली से सटा हुआ यहाँ पर आनंद विहार रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर बड़ी बड़ी जो बसें आती है दूर दराज से, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा से हो, संबंधित कई जगह से बसेस चलती है, उन पर भी कई सख्त कानून बनाए जा रहे हैं। खासतौर पर जो ज्यादा धुआं देने वाली बसेस हैं उनको रोक दिया गया है, कम बसेस चल रही हैं और लगभग जो है कम से कम जो शाम के समय में निकाली जाए बसें, ऐसी प्रयास किया जा रहा है। वहीं अगर इंडस्ट्रियल एरिया की बात करिए तो साहिबाबाद क्षेत्र है जहां पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो आग से संबंधित होते हैं, जिसका धुआं निकलना बिल्कुल स्वाभाविक है। कहीं ना कहीं जो एनजीटी ने जिस तरीके से जो सख्त आदेश दिए हैं, सख्त नियम उन्होंने बताए हैं कि अगर इस तरीके की अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लोग जो है खासा परेशान नजर आ रहे हैं, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कहीं ना कहीं मेयर ने कारक तो बता दिए कि आखिर ये जो बढ़ता प्रदूषण है इसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन प्रवीण अगर हम हर साल की स्थितियों पर नजर डालें तो जैसे जैसे तापमान में गिरावट आती है लोगों को प्रदूषण की मार झेलनी पड़ती है, लोग जहरीली हवा में सांस लेते हैं, ऐसे में ये जो प्लानिंग है ये पहले से क्यों नहीं देखने को मिलती है? जब मौका वारदात पर ये सारी चीजें ही क्यों एक्शन लिया जाता है, क्यों प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती है ताकि प्रदूषण रोका जाए? क्योंकि ये हर साल का है प्रवीण, हर साल ऐसी तस्वीरें दिल्ली से और गाजियाबाद से देखने को मिलती हैं। देखिए मिस्कान, आपने बिल्कुल सही बात कही है, पिछली बार जिस तरह से पंजाब में जब सरकार नहीं थी आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ही तंज कसती थी कि किस तरीके से पंजाब से जो पराली जलकर जलाई जाती है, जिसका सीधे तौर पर धुआं जो है दिल्ली गाजियाबाद उससे सटे हुए जितने भी राज्य हैं वहां पहुंचता है। उसके बाद अब जो है आम आदमी पार्टी जो है वो भी तंज कस रही है, खासतौर पर राजनीति चल रही है इसमें। अब जो है हरियाणा पे आरोप लगाया जा रहा है कि हरियाणा के जो किसान है वो पराली जला रहे हैं, कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो जनता खासतौर पर परेशान हो रही है, पहले भी इस तरीके के चीजें देखने को मिली है, जब जब इस तरीके का जो पोल्यूशन का कारण बना है तो वो पराली ज्यादातर बना है, उसके बाद जो है जो गंदा कूड़ा होता है, जो वेस्टेज कूड़ा होता है उसको लोग जलाते हैं, वो भी बना है। तो कहीं ना कहीं अब आरोप प्रत्यारोप तो दोनों तरफ से देखने को मिले, लेकिन इसका निवारण कोई नहीं कर रहा है, सब लोग ट्रांसफर का खेल चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, लेकिन इसी बीच में जनता पिसती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ जो जनता है वो डेंगू और वायरल फीवर और मलेरिया से परेशान है, और अब दूसरी तरफ जो जनता है वो प्रदूषण की मार झेल रही है। ऐसे में गाजियाबाद के लोगों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए मुस्कान, खासतौर पर जिस तरीके से डीएम का जो आदेश खासतौर पर आया है, बच्चों के लिए पहले स्कूल बंद किए गए हैं, लगभग 10 तारीख को स्कूल खुलेंगे सभी बच्चों के, जो लगभग बड़े बच्चे हैं यानी कि जो 9वीं क्लास से नीचे के बच्चे हैं उनको छुट्टी दे दी गई है, उनका ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। और साथ ही साथ जो एडवाइजरी जारी की गई है, खासतौर पर बड़े बुजुर्ग जो हैं जिनको सांस से संबंधित बीमारियां हैं वो लोग घर से बाहर ना निकलें, या कोई किसी तरीके से बीमार चल रहा है वो घर से बाहर ना निकले। कहीं ना कहीं पोल्यूशन को देखते हुए अभी फिलहाल वो स्थिति नहीं आई है जिस तरह से पहले हमने देखी है कि आंखों में चुभन होती थी, आंखें लाल हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्थिति पैदा ना हो उसको लेकर काफी गाइडलाइंस फॉलो की जा रही है, प्रशासन की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं। जो पानी की बौछार कहते हैं वो भी की जा रही है, चाहे पेड़ों पर हो या जो एक मशीन जो इस तरीके से दिल्ली में देखने को मिली, जिस तरीके से वो मशीनों को चारों तरफ घुमाया जा रहा है, चाहे वो आनंद विहार हो जहां पर ज्यादा लग रहा है पोल्यूशन है वहां पर छिड़काव किया जा रहा है पानी का, तो काफी चीजें हैं वो देखने को मिल रही है प्रशासन की तरफ से किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन प्रवीण, क्या ये सारे एक्शन कारगर साबित होंगे क्या? क्योंकि अब से कुछ दिनों बाद दिवाली का त्यौहार देखने को मिलेगा, दिवाली आ जाएगी, लोग पटाखे फोड़ेंगे, उसके बाद तो AQI 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अगर अभी हम नहीं इन समस्या से बाहर निकल पाए तो बाद में तो AQI और गंभीर हो जाएगा, तब क्या करेगी प्रशासन? देखिए मुस्कान, सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस तो जारी कर दिए गए हैं, जो ग्रीन पटाखे हैं उनको जलाने की अनुमति दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जब देखते हैं दीपावली के समय में किस तरीके से पटाखेबाजी होती है, आतिशबाजी होती है और बड़े बड़े पटाखे आते भी है, हालांकि बॉर्डर है, दिल्ली से सप्लाई होकर आते हैं, मेरठ से सप्लाई होकर आते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से
कोई पकड़ धर पकड़ अभी नहीं की जा रही। इससे पहले अभी गाजियाबाद में ही काफी भारी मात्रा में पटाखे पकड़े गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी पटाखे जलते हैं, उसके बाद भी लोग जागरूक नहीं है। पता है कि किस तरीके से पोल्यूशन की जो हवा है वो जहरीली हो चुकी है, लेकिन जब दीपावली के बाद हम देखते हैं तो माहौल कुछ अलग होता है। एक्यू लेवल सातवें आसमान पे पहुंच जाता है, फिर लोग समझ में आता है कि हमने आखिर पटाखे क्यों जलाए। देखिए सबसे बड़ी बात है, लोगों को भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, वो भी इन चीजों के कारण बन जाते हैं, उसके बाद ही इस तरीके की स्थिति पैदा होती है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद प्रवीण इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी मामले में सपा नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रभारी जिला जज सुभाष चंद्र तिवारी की अदालत ने मामले में याचिका निगरानी को मंजूर कर लिया है। साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 11 दिसंबर तय की गई है और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को नोटिस जारी करने का भी आदेश पारित किया गया है। तो रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। विवादों के स्वामी स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कलीम का रुख करते हैं, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अक्सर यही कहा जाता है कि विवादित बयानों के राजा स्वामी। अब रामचरितमानस को लेकर इन्होंने जो टिप्पणी की थी, अब वो इस टिप्पणी पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ देखने को मिला है कलीम? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए सपा के जो बात किया नेता की बात की जाए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उनके द्वारा जो विवादित बयान दिया गया था, उस विवादित बयान के बाद काफ़ी लोगों के बीच आक्रोश भी देखने को मिला था। कई तस्वीरें ऐसी भी देखने को मिली थी जिसमें रामचरित की कुछ ऐसी पंक्तियाँ थी जिनको जलाने की भी तस्वीरें सामने आई थी। इस मामले को लेकर के जिस तरह से विरोध देखा गया था, विरोध के बाद FIR हुई थी, FIR के बाद कार्रवाइयाँ भी देखने को मिली थी। लेकिन अब अगर बात की जाए स्वामी प्रसाद की जो मुश्किलें हैं, वो मुश्किलें किसी तरह से रुकने का नाम नहीं ले रही। अब जिस तरह से जो एक याचिका दाखिल की गई है, उस याचिका को पूरी तरीके से मंजूरी भी मिल गई है, और उस मंजूरी के बाद अब कहीं ना कहीं जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। 11 दिसंबर को जिस तरह से सुनवाई होगी, उस सुनवाई को लेकर के साफ तौर से कहा गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को नोटिस जारी किया जाए। जो नोटिस पहुंचेगा तो 11 दिसंबर को स्वामी प्रसाद मौर्य भी कोर्ट में उपस्थित होंगे। अगर इस मामले में जो अधिवक्ता की बात करें, जो अधिवक्ता अशोक हैं, उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा विवादित बयान दिया गया था रामचरितमानस को लेकर के, उसी पंक्तियों को लेकर के, वो हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचा था और लोगों के बीच एक जो विवाद है वो विवाद फैल रहा था, भेदभाव फैल रहा था, दो जातियों को लेकर के भेदभाव फैल रहा था, जो ऊंच और नीच जाति को लेकर के भेदभाव की बात की जाए, उस तरीके से लगातार लोगों के बीच एक भ्रमित लोगों को किया जा रहा था, और इसको लेकर के काफी आक्रोश भी व्याप्त हुआ था। इस मामले को लेकर के जो विरोध था, विरोध भी देखने को मिला, कई बार स्वामी प्रसाद मौर्य भी इसके शिकार भी हुए थे। तस्वीरें सामने आई थी, लेकर विरोध भी देखने को मिला, लेकिन अब अदालत ने जो याचिका है उसे मंजूर कर लिया है। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या उनकी तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मामले पर कोई बयान दिया गया है क्या? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बयानबाजी की बात की जाए तो अभी तक किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि कोर्ट का मामला है। या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से बात की जाए, समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक इस तरह का कोई बयान नहीं आया कि किस तरह से वो इस मामले को लेकर के प्रस्तुत करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इन सभी मामलों को लेकर चर्चा का विषय बने रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से इससे पहले अगर बात की जाए तो जिस तरह का जो उनका बयान सामने आया था, वो लगातार इस मामले को लेकर के उठाते रहे हैं। या फिर आरक्षण को लेकर के बात की जाए, पिछड़ी जातियों को लेकर के बात की जाए, उनके और लेकर के लगातार मुद्दा उठा रहे थे, और उन्हीं मुद्दों के बीच में इन्होंने इस तरह का विवादित बयान एक भरी सभा में दिया था, और उसी बयान के बाद से लगातार विरोध भी शुरू हुआ था। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरह से कोर्ट ने जो याचिका है उसको मंजूरी दी है, और मंजूरी के बाद जो 11 दिसंबर को जो इस मामले को लेकर के सुनवाई होगी, उस सुनवाई में स्वामी प्रसाद मौर्य को जो समन जारी करने की बात कही गई है, उस समन पे स्वामी प्रसाद अगर मौर्य प्रस्तुत होते हैं, जो अधिवक्ता उनका पक्ष रखेगा, उस मामले पर लेकर के अभी तक क्या कुछ सामने आएगा वो 11 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा। फिलहाल ये जरूर कह सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, और किसी तरह का थमने का नाम भी नहीं ले रही, और 11 दिसंबर को भी कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें जो है वो भी बढ़ सकती हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
यूपी सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लाखों दावे करती है, लेकिन उनका ही प्रशासन सरकार के उस मंशा पर खुलेआम पलीता लगाता नजर आता है। अब ये जो ताजा मामला सामने आया है ये औरैया का है, जहां एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें देखने को मिली है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से एक भाई अपनी बहन का शव बाइक से घर ले जाता हुआ नजर आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बिधुना सीएचसी प्रभारी और एक कर्मचारी को हटा दिया गया है। दरअसल पूरा मामला बिधुना कस्बे का है, जहां नवीन बस्ती निवासी प्रबल प्रताप सिंह की 20 वर्षीय बेटी अंजलि को घर में करंट लग गया था और अंजलि को उसका भाई उसे सीएचसी बिधुना इलाज के लिए लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से उसे एम्बुलेंस तक नहीं नसीब हो सकी। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया हैंडल से एक तस्वीरें भी साझा की है, जिसमें योगी सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं के हाल को लेकर उन पर जबरदस्त हमला किया गया है। इस दौरान सपा ने कहा कि ये तस्वीर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है। जो सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, वह स्वास्थ्य विभाग एक एम्बुलेंस का भी इंतजाम तक नहीं करा सकती है। और देखिए, ये इंसानियत को तार तार करती हुई तस्वीरें औरैया से सामने आई है। और हमारे यहाँ के बिधुना के जो सुपरिंटेंडेंट हैं, वहाँ के जो चिकित्सा अधिकारी हैं, उनकी असंवेदनशीलता है कि इस प्रकार की घटना घटित हुई, इस बात का मुझे दुख है। जो ये मेरी जानकारी में आया तो उसका संज्ञान लेते हुए फिलहाल हमने तुरंत तत्काल प्रभाव से उन दोनों चिकित्सकों को वहाँ से हटा दिया है, चिकित्सा अधीक्षक को भी और वहाँ के जो डॉक्टर हैं उन दोनों को वहाँ से हटा करके हम अन्यत्र स्थानांतरण कर रहे हैं। उनको एक प्रतिकूल प्रविष्टि भी उनको सजा के तौर पर उनको दी जा रही है कि उन्होंने संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया। साथ ही सभी सीएचसी के सभी अपने प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को एक सर्कुलर जारी करा जा रहा है कि हमारे जनपद में भविष्य में इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति ना हो, वो तुरंत संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तुरंत जो है वो अधोस्ताक्षरी से मतलब मुझसे परिचय करके संपर्क करके और वो शव वाहन की व्यवस्था हम यहाँ से तुरंत कर देते। शव वाहन हमारे पास यहाँ है उपलब्ध, शव वाहन का ड्राइवर है, गाड़ी है, सब चीज़ की व्यवस्था है। अगर हमारे संज्ञान में सुपरिंटेंडेंट लाते तो हम तुरंत ही यहाँ से शव वाहन की व्यवस्था कर देते। जाहिद अख्तर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए जाहिद, औरैया से मानवता को शर्मसार करने वाली जो तस्वीरें सामने आई है उससे स्वास्थ्य विभाग पर भी बड़े सवालिया निशान खड़े किए हैं, जहां एक भाई अपनी बहन की लाश को बाइक पर ले जाता हुआ नजर आया है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है और सिलसिलेवार तरीके से बताइए जाहिद की ये आखिर पूरा मामला था क्या? मैं आपको बता दूं कि औरैया जो है पानी गर्म कर रही है उसी के उपरांत उसको करंट लग जाता है। करंट लगने के उपरांत उसके पर्दन में उसका भाई उसको बिधुना का स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराने के लिए ले जाता है, जहां पर डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित कर देते हैं। मृत घोषित करने के बाद भाई वास्ता बहन अपनी बहन को बाहर लेकर आते हो, अपनी बाइक पर बैठाते हो, जिससे आप देख सकते हो तस्वीरों में साफ प्यार हो रहा है कि जिस तरीके से भाई अपनी मृतका बहन को बॉडी को साथ बांधते हुए उसको ले आते हुए नजर आ चुका है। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर काफी जनपद में क्या आसपास पूरे उत्तर प्रदेश में वीडियो को लोगों ने संज्ञान लिया है। अगर बात किया है तो पूर्व रहे मुख्यमंत्री सीएम योगी अखिलेश यादव जी ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, और जबकि सीएम ने भी इस पर लेकर ट्वीट किया हुआ है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से प्राइम टीवी की टीम ने उनके परिजनों से, मृतका के परिजनों से बात की, तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हम लोग वहाँ मेरी बेटी को करंट लग गया था, करंट के बाद में हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर द्वारा वहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया, उसके बाद हम लोग वहाँ से लेके चले। उन लोगों ने बताया कि डॉक्टरों की इस पर कोई गलती नहीं है। अगर इसी संबंध में अगर बात की जाए तो सीएमओ सुनील कुमार वर्मा जी द्वारा तत्काल प्रभाव से मामले को संज्ञान में लेते हुए दो डॉक्टरों को हटाया गया। लेकिन देखिए जाहिर, जब भी कोई परिजन इस मामले पर बच्ची को या किसी को भी अस्पताल लेके पहुंचते हैं और डॉक्टर्स द्वारा मृत घोषित किया जाता है तो पोस्टमार्टम जरूर कराया जाता है। क्या डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम कराने के बाद इन परिजनों से नहीं की क्या? हाँ, मैं आपको मुस्कान बताया, डॉक्टरों ने और जब ये परिजन ने ले उस लड़की को जब स्वास्थ्य विभाग को लेकर पहुंचे, डॉक्टरों ने कहा कि उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसको
लेकर उन्होंने मना कर दिया और वहाँ से वो लोग वापस आ जाते हैं, जिसको लेकर परसों से भी संबंध प्राइवेट बातचीत भी थी। वो लोग किसी किस्म से ये नहीं चाहते थे की हमारा बच्चे का पोस्टमार्टम, यानी कि जाहिर साफ तौर पर इस पूरे मसले पर माना जाए कि जो परिजन है वो पोस्टमार्टम कराने को तैयार नहीं थे। अगर वो पोस्टमार्टम कराने को तैयार नहीं थे तो क्या उन्होंने अस्पताल से किसी भी तरीके से एम्बुलेंस की डिमांड की, क्यों उन्हें एम्बुलेंस चाहिए? नहीं नहीं, उन्होंने लोगों ने किसी किस्म से परिजनों ने कोई एम्बुलेंस की डिमांड नहीं की, वो स्वतः अपनी ही वाहन से और अपने सबको लेके जाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि साफ तौर पर माना जाए कि अगर इस पूरे मसले पर जो स्वास्थ्य विभाग जितना जिम्मेदार है उतने जिम्मेदार कहीं ना कहीं परिजन भी नजर आते हैं। अब इस पूरे मसले पर सियासत तो हाई हो चुकी है, अखिलेश यादव लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर नजर आते हैं, क्या अब इस मामले पर परिजनों की तरफ से कोई गुहार लगाई गई है या वो बस मामले को अब यहाँ पर ठंडा करना चाहते हैं? अभी तक मुस्कान में बता दूं, अभी तक परिजनों द्वारा किसी किस्म के संबंध में कोई गुहार की बात सामने नहीं आई है और आगे देखते हैं, अब राजनीति मुद्दा ये बन चुका है तो उसको देखते हैं आगे परिजन क्या मूवमेंट करते हैं, किस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद जाहिद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलती हुई ये जो तस्वीरें नजर आई है ये तो वाकई शर्मसार करती है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मसले पर परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि डॉक्टर्स ने हमसे पोस्टमार्टम कराने को कहा था लेकिन हमने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और हम बिना किसी का इंतजार किए सीधा अपनी बहन के शव को बाइक पर लाद कर घर लेकर आ गए, लेकिन अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बात